सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया बोलने का। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आज के डेट में, आज के समय में, जैसे आप लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी कौम है जिसके साथ ना सरकार है, ना अदालत है, ना पुलिस है, ना ही कोई नेता है, फिर भी आप लोग इतने टाइम से डटे हुए हैं। ये आप लोगों की हिम्मत है, उसको मैं सलाम करता हूं। ये मेरा 105वां शाहीन बाग है पूरे भारत में। कल रात हम गंगाखेड़ में थे, वहां से आज सुबह ही लौटे हैं, और ये 105वां है। लगभग मुंबई के सारे शाहीन बाग मैंने कवर किए हैं। मैं सिर्फ ये देखने जाता हूँ हर शाहीन बाग में कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी मेरी माताएं बहनें हैं जो बिना कोई बवाल मचाए, बिना कुछ गलत किए, देश के इतने बड़े ताकतवर इंसान के माथे पे पसीना लाके छोड़ दिया है, वो कौन लोग हैं, वो देखने के लिए मैं आता है। और हर बार ये चीजें चलती रहती हैं और धीरे धीरे आज देश में चीजें बदल रही हैं। सब कहते हैं कि सीए एनआरसी की जो लड़ाई है वो केवल मुसलमानों की है, तो मैं आपको इस मंच से बताना चाहता हूँ, उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप देखो, विनय दुबे ये मंच पे खड़ा है और अपने भाइयों के साथ में छाती टान के खड़ा है। आप जितनी गोलियां चला सकते हो चला लो, पहले हमारी छाती रहेगी, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इस देश में बिना आपके हम नहीं है और बिना हमारे आप नहीं है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपको साथ कोई छोड़ सकता है या अलग कर सकता है। और हमारी कोशिश है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे भारत में घूम घूम के ये चीजें कहते हैं और ये प्रूफ करते हैं, ये साबित करते हैं कि आप अकेले नहीं है, आपके साथ लगभग 115 करोड़ हिंदू भाई भी खड़े हैं जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। अगर हम और आप एक साथ नहीं होते तो दिल्ली में जिस तरह से ये दंगे फैलाए गए हैं, जिस तरह से दंगे का प्लान किया गया है, आज पूरा भारत चल रहा होता। वो नहीं चल रहा है, उसका कारण ये है कि बजरंगबली और अली दोनों मिल के साथ में हम लोग लड़ रहे हैं, और ये चीजें एक देश की खूबसूरती है। आज जो लड़ाई चल रही है वो बजरंगबली और अली दोनों मिल के लड़ रहे हैं, और इस चीज का हमें गर्व है कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। मुझे शर्म आती है, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक फायदा लेने के लिए लोगों को उकसाते हैं, कत्लेआम करते हैं, लेकिन मुझे गर्व भी है कि इन भाइयों के लिए हम लोग हैं और हमारे लिए आप खड़े रहते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और ये एकता कभी नहीं टूटनी चाहिए। रही बात, मैं मंच वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं यूट्यूब पे, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अपना वो भाषा वाला इधर सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए। मैं अपने तमाम युवाओं, मेरे जो भाई हैं, जो मेरे आम उम्र हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में, खास करके इस आंदोलन में, हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। देखिए, हमारा खून गर्म है ये हम जानते हैं, यहाँ कोई ठंडे खून वाला नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि जिससे वहां मेरी जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो लाल लगभग 50 दिनों से बैठी है, उनका माथा सर में से झुके, ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है इस आंदोलन के लिए। खास करके ये उनकी मेहनत है, हम अगर कुछ ऐसा गलत काम कर देते हैं, ऐसी कोई गलत बात कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, उसका हमें मान रखना है, वो हमें मेंटेन करना है। आज के समय में हिंदू मुसलमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है। आज ये दिल्ली के जो दंगे हैं पूरे भारत में धीरे धीरे उसका रूप लेना चाहते थे। उसका कारण ये है कि जो राम मंदिर का जो मामला था वो खत्म हो चुका है। अब अगर ये हिंदू मुसलमान ना करे तो वो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस मंच से छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान ना करें तो गांव का एक सरपंच चुनाव वो नहीं जीत सकते, उनकी औकात नहीं है सरपंच चुनाव जीतने की, सिर्फ काम के दम पे। अगर ये हिंदू मुसलमान की रोटी वो न सके, आग न लगाना, तो वो गांव का एक छोटा सा बोलते सरपंच चुनाव नहीं जीत सकते। मैं बहुत जगह जाता हूँ, वहां पे लोग मुझे, जब मैं निकलता हूँ तो वहां पे लोग पूछते हैं कि भाई आप क्यों इनको टारगेट करते हो। मुझे कभी कभी लगता है मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी वालों की बजाते रहो।
और बहुत कम लोग जानते हैं, खास करके कल्याण के लोग बहुत कम लोग ये जानते हैं, मेरी सबसे पहली गिरफ्तारी इसी बैल बाजार पुलिस स्टेशन में हुई थी, जब मोदी जी यहाँ पे 18 दिसंबर को यहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, उस समय उनको काला झंडा दिखाते का मैंने जो धमकी दिया था उससे 2 दिन पहले मुझे उठा के डाल दिया था यहाँ पे अंदर। और मैं धन्यवाद करता हूँ बैल बाजार पुलिस स्टेशन का, अगर उन्होंने मुझे जेल में नहीं डाला होता ना, तो मेरे अंदर ये जो गुस्सा है इनके लिए, जो गलत चीजों को जो ये दबाने की कोशिश करते हैं, वो आज कहीं ना कहीं होता। आज उनकी वजह से आज मैं पूरे देश के मंचों पे घूम घूम के इनकी बैंड बजा रहा हूँ और तबियत से बजाता हूँ। जब मुझे पता चला कि मेरे कल्याण में भी ये चीजें हो रही है, तो मुझे वहां भाई ने मुझे बताया, मैसेज किया कि आपको आना है, तो मैंने उनसे पूछा कि कल्याण में हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। कल रात को मेरी बात हुई, हमने कंफर्म किया, क्योंकि ये मेरी सबसे पसंदीदा जगह है, यहीं से मेरे जेल जाने के आंदोलन शुरू किया था और यहीं से मैं इसको और अग्र तरीके से आगे तक लेके जाता हूँ। और आप लोगों के लिए नहीं, ये लड़ाई मेरी है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि जो आग होती है ना, आग जब वो जलती है तो धर्म नहीं देखती है कि वो सामने वाला हिंदू है या मुसलमान है। अगर आज इस आग से देश जल रहा है तो कल को मेरा भी घर उसी जग में आएगा। अगर मैं आज चुप हूं तो कल मेरा भी घर जलेगा। इसके लिए ये देश भर में घूम घूम के हम लोग ये लोगों को जागरूक करते हैं। ये जो तो आग धीरे धीरे बढ़ रही है, इसे पानी डालने का काम हमें करना है, वो भी शांति प्रिय तरीके से, महात्मा गांधी की तरीके से। आज के समय में गोडसे तो कोई भी बन सकता है, 2 मिनट लगता है गोडसे बनने में, आपको बंदूक लेनी है, गोली चलानी है, बन गए गोडसे। लेकिन महात्मा गांधी बनने के लिए आपको पूरी जिंदगी लगा देंगे तो भी 1% नहीं बन पाएंगे। हम उनके जैसे ना 2 मिनट में बन सकते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे बन जाए ऐसी उनकी औकात नहीं है, कितनी भी कोशिश कर ले। वो जो अपने लोगों को ट्रेनिंग ही डंडे देके देती है, वो क्या हिंसा की बात करेंगे। जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग ही डंडे देके देती है कि भाई डंडा लो और अपने तो इसमें आप प्रैक्टिस करो, वो क्या हिंसा और क्या महात्मा गांधी की बात करेगी। तो ये महात्मा गांधी का देश है, यहाँ किसी के बाप की नहीं चलेगी। कितने भी आप गोडसे वाले हो, देश के बाहर करो तो करना, लेकिन देश में नहीं कर सकते आप। मैं जब निकला यहाँ के लिए आ रहा था थोड़ी देर पहले, तो इमरान प्रताप गोरी भाई का मैसेज चल रहा था मेरा उनका, तो मैंने उनको बताया कि आज मैं यहाँ आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत एक छोटा सा मुझे मैसेज भेजा, मैं पढ़ना आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने भेजा हुआ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि मैं हिंदू हूं तू मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं तू मुस्लिम है हम दोनों इंसान, मैं हिंदू हूं तू मुस्लिम है हम दोनों है इंसान, ले तू मेरी गीता पढ़ ले मैं पढ़ लू तेरा कुरान। अपने तो दिल में है दोस्तों, अपने तो दिल में है दोस्तों, बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाइए पूरा हिंदुस्तान। ये उनका छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए था, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। और ये चीजें लेके हम चल ही रहे हैं धीरे धीरे। मैं भी बिहार गया था, वहां पे एक सभा करके मैं निकला। उस सभा में मैंने वहां के जो युवा थे ना, बहुत एग्रेसिव थे, मतलब उनके अंदर गजब की ऊर्जा थी। और जिस तरह से वहां पे आंदोलन चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी जानकारी। इस समय पूरे भारत में 1800 शाहीन बाग है, ये कल्याण का लेके, आप लोग अकेले नहीं है, 1800 जगह हम बैठे हुए हैं। अब बिहार में किशनगंज जिला के पास एक संकला गांव है, जहां पे ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले 70 दिनों से, उस आंदोलन में कोई भी मुसलमान नहीं है। सारा का सारा आंदोलन करीब 4000 लोग बैठते हैं डेली, और सारे के सारे हिंदू है वहां पे। तो लोगों को ये दिखाया जाता है कि ये मुसलमानों का आंदोलन, ऐसा नहीं है। तो संकला गांव के लोग बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन कोई इस चीजों को नहीं दिखाता। हम लोगों ने वहां से लाइव किया था, हम ढूंढते रह गए, उनको पूछते भाई तुम्हारा नाम ये, लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं निकला। इसका गर्व है मुझे कि हम लोग आपके साथ में है, और ये संदेश मैं दूर दूर तक देना चाहता हूं। बिहार की सभा करके जब मैं निकला वहां से, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी आई, बोले आपने मन से भड़काऊ बयान दिया। मैंने पूछा भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको गलत लग गया। तो उन्होंने कहा कि आपने बोला सरकार चोर है। मैंने बोला बेशक मैंने कहा सरकार चोर है, गलत क्या है। तो बोले आपको अभी गिरफ्तार किया जाएगा, आपने
अवमानना की है हमारे देश के नेताओं की उसकी। बहुत सारे लोग जमा हो गए थे मेरे जैसे भाई, उन्होंने घेर लिया था पूरा कि ऐसा नहीं हो सकता गिरफ्तारी नहीं। तो मैंने बहुत संजीदगी से उनसे पूछा कि मैं कबूल करता हूं कि मैंने कहा सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि भारत की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि अमेरिका की सरकार चोर है। मैं पुलिस वाले को पूछा कि आप किस बिना पे गिरफ्तार करेंगे, तो बोलते हैं कि भाई हमको क्या बेवकूफ समझते हो क्या, हमें नहीं पता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। वो सामने से कह रहे हैं कि हमें बेवकूफ समझते हो क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, नहीं पता है क्या। मतलब पुलिस वालों तक को ये पता है कि सरकार चोर है, उनके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं था, मैंने कोई आरोप नहीं लगाए थे। लेकिन जब वो कहा तो मैं मुस्कुरा दिया कि मैं बोला आप लोग जानते हैं सारी चीजें, अगर अच्छा है मैंने सिर्फ सरकार चोर कहा था, सरकार को हिजड़ा बोलते तो पता नहीं क्या बवाल हो जाता था वहां पर। फिर पुलिस वाले क्या कहते हैं, हमें पता है आप किसकी बात कर रहे हो। यही होता हिजड़े से याद आया मुझे, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा। एक्चुअली मैं बता रहा था, मंच वाला इंसान नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जमीनी स्तर पर लड़ाइयां लड़ते हैं, पुलिस से लड़ना गलत चीज के लिए, अगर आप कानूनी तौर पे संविधान के हिसाब से गलत है, उसके लिए लड़ने के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। भले आप जितने भी ताकत इस्तेमाल करें, मेरी आवाज आप नहीं दबा सकते, क्योंकि ये देश का संविधान मुझे अधिकार देता है। वो हिजड़ों से मुझे कुछ याद आया तो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में।